इटली का क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैक्सिनी, उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। इटली का एक महान क्रांतिकारी जिनका जन्म 1807 जिनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। क्या था? कार्बोनारी के गुप्त संगठन सीक्रेट कमिटी का एक मेंबर था, बन गया था, था सदस्य, था सदस्य बन गया। कब? जब 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। जब वो 24 साल की उम्र में था, युवा अवस्था यंग एज में, तो लिगुरिया में क्रांति किया जिसके लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, समाज से, अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया था, बायकॉट कर दिया गया था। आजकल बायकॉट चला हुआ है ना, फलना मूवी ढकना मूवी वाला बायकॉट नहीं बोलते हैं हम लोग, अपना भाषा बोलते हैं बायकॉट कर देंगे तुमको, वही बहिष्कृत होता है। तत्पश्चात उसके बाद देखिए, अगर आज के दौर में अगर किसी को बायकॉट बहिष्कृत कर दिया जाए तो क्या होता है, बहुत सारे लोग कि लोग इधर उधर जाके जीने कमाने खाने के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, मैक्सिनी के आदमी था, जब उसके बहिष्कृत किया गया तो उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। दो भूमिगत मतलब जमीन से जुड़े दो संगठनों, दो और संगठन बनाए, कमिटियां बनाई, ग्रुप बनाया, समूह बनाया। पहला था मरसई में, क्या? पहला था मरसई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मरसई एक शहर है, वहां पे इन्होंने यंग इटली बनाया। बर्न एक शहर है जिसमें यंग यूरोप बनाया। मरसई में यंग इटली, बर्न में यंग यूरोप। आए इसके सदस्य भी जुड़ते गए। देखिए क्या कमाल की बात है। कहा जाता है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। ठीक है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कूट कूट कर भरा हुआ था जेसीपी मैक्सिनी में। देखिए किस तरह से, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे, और जुड़े भी कैसे थे इनके संगठन में, युवा, यंग पीपल। और कैसे थे ये यंग पीपल, कैसे थे? समान विचार, ठीक है, ऐसे एकदम उनका आइडियोलॉजी भी सबका सेम था। यानी कि वो मैक्सिनी के आइडियोलॉजी, बात से, विचार से, उनके सोच से पूरा पूरी सहमत थे। तभी तो कौन कौन, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य में के युवा जुड़े। मैक्सिनी का विश्वास था, देखिए मैक्सिनी का क्या विश्वास, मैक्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार, जब ईश्वर की मर्जी होती है तो बोला जाता है कि ईश्वर के मर्जी से राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यानी कि अगर ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अगर लोगों को पहचान है, उनका कोई इकाई है, उनका कोई अस्तित्व है, उनकी कोई पहचान है, वो कहाँ से आए हैं, तो राष्ट्र है। और राष्ट्र का पहचान क्या है? मनुष्य। और मनुष्य का पहचान, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था। मैक्सिनी मानता था इसलिए कि इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों यानी पाबंदों में नहीं रह सकता, किसी के अंदर में, किसी की जंजीर में, किसी के बंधे हुए पैरों में नहीं होता है कि किसी को जानवर या किसी को भी जंजीर से बांध दिया जाता था, इसी तरह इटली को कोई पाबंद करके बांध के नहीं रख सकता। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था, और उसे बांध कर उसे कोई एक आदमी नहीं चला सकता है, क्योंकि वो किसी एक का जागीरदारी नहीं है। उसे क्या करना है, उसे कहा जाता है कि उसे व्यापक एक बड़े रूप में गठबंधन यानी राज्यों को जोड़कर एकीकृत गणतंत्र यानी एक करके गणतंत्र, यानी कि गणतंत्र, गण मतलब जन, लोकतंत्र मतलब रिपब्लिक, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वाला देश बनाना था। और यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। ये कौन सोचता था? जोसेपी मैक्सिनी, कि जब ये करेंगे तभी हम इटली का आधार, मुक्ति का आधार बना सकते हैं, तभी हम इटली को इन निरंकुश राजाओं से मुक्ति दिला सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, और लोगों को उनका एक नया देश, नया राष्ट्र दिला सकते हैं, जिनसे उनका एक पहचान हो, उनकी संस्कृति हो, वो अपने आज़ादी से जिए। उसके इस मॉडल को जब ये बात सुना यूरोप वालों ने, उनकी आज उनकी विचार को सुना, तो देखिए क्या हुआ, उनकी मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में
गुप्त संगठन कायम किए गए। इनके मॉडल का देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोधी करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेसिनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। कहा जाता है देखिए मेसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध, इतना ज्यादा विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों यानी कि प्रजा लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारों के राष्ट्र जो उनका सपना था, मेसिनी ने इन्हीं सोच के साथ जब आगे बढ़ा इन रूढ़िवादियों को कहीं का नहीं रहने दिया और रूढ़िवादियों को हार मानना पड़ा। उन्हीं में से एक रूढ़िवादियों के जो राजा था या ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिक, वो क्या कहा देखिए, मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैटरनिक क्या क्या सामाजिक अपनी जो सिस्टम है, अपना जो समाज है, निरंकुश निरंकुश वाला समाज, उसका सबसे खतरनाक दुश्मन माना तो वो ड्यूक मैटर किसको, जीवसेपे मेसिनी को। अगर आपको आता है मेसिनी के बारे तो यहाँ से लिख देना। देखिए तो ये था आपके बीच में क्रांतिकारी।